नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय शर्मा सभी शिक्षक साथियों का NIOS के इस स्टूडियो में पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जो अधिगम जो प्रक्रिया है हमारे पास, यानी कि गतिविधि आधारित उपागम, उसके बारे में बात करेंगे, जो प्राथमिक कक्षाओं में एक महत्वपूर्ण गतिविधि बनती है। और आज की इस पूरी बातचीत में हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि हम ये जानने का प्रयास करें कि सीखना किसे कहते हैं और सीखने के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण बनते हैं, यानी कि सीखना किन किन स्थितियों और कारकों से प्रभावित होता है। बातचीत में हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्रियाकलाप आधारित शिक्षण से हम लोग क्या समझते हैं और ये प्रक्रिया, ये गतिविधि किस प्रकार आयोजित की जाती है, और इस गतिविधि की जो अवधारणा है, जो इसकी मूल अवधारणा है, जो इसकी मौलिक समझ है, उसको बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इस पूरी बातचीत में हम लोग इस पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जहाँ पर हम ये समझ पाएँ कि इस गतिविधि का उपयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं और एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है और शिक्षक इस पूरी गतिविधि में किस प्रकार से काम करता है, इन सब पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग इस पर बारे में बात करते हैं कि सीखना हम किसे कहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीखना एक उस तरह की गतिविधि है जिसमें हम लोग प्राय व्यक्ति के व्यवहार में कुछ अपेक्षित बदलाव करना चाहते हैं, और जब ये बदलाव हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति या वो विद्यार्थी या वो बच्चा सीखने की प्रक्रिया में। अर्थात सीखना एक स्थायी प्रक्रिया है और इन बदलावों के माध्यम से, इन परिवर्तनों के माध्यम से हम व्यक्ति में अपने जो चाहे गए लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के लिए उसको अग्रसर करते हैं। तो मूलतः सीखना सउद्देश्य प्रक्रिया हुई। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिसमें हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। सीखना एक स्थायी बदलाव की ओर हमें इंगित करता है। तो सीखने को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि एक अपेक्षित बदलाव की तरफ उस विद्यार्थी को बढ़ाता है। सीखना प्राय एक जो माना जाता है सीखने के बारे में, वो ये कि सीखना एक समय एवं संदर्भ सापेक्ष प्रक्रिया है, यानी कि निश्चित समय में चलने वाली गतिविधि है। दूसरी बात ये कि सीखना हमेशा उस जो विद्यार्थी है उसके आसपास के जो परिवेश है उसके सापेक्ष होता है, और इस तरह से सीखना एक सुविचारित, योजनाबद्ध एवं मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की भूमिका एक सक्रिय और एक उत्प्रेरक के रूप में होती है जहाँ पर वो सीख रहा होता है। जैसा कि अभी हमने समझा कि सीखना क्या होता है, अब सीखना को समझ लेने के बाद, सीखना किसे कहते हैं ये जान लेने के बाद, ये जानना जरूरी होता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। सीखने की, जैसा कि हम अभी हम लोगों ने बातचीत में समझा कि सीखना एक प्रक्रियाबद्ध, एक चरणबद्ध और एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अनुकरण करके सीखता है, यानी कि नकल करके सीखता है, उसी को दोहराता है, या अभ्यास एवं त्रुटि से सीखता है, जो कि एक परंपरागत एक बड़ा तरीका है सीखने का जिसमें भी मानते हैं कि बच्चे गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं। तो सीखना एक प्रकार से अभ्यास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने की स्थिति को बनाता है। साथ ही साथ विद्यार्थी अवलोकन करके भी सीखता है और इस प्रकार के अवलोकन में वो नए व्यवहार का निर्माण करता है। ये प्रक्रिया लगातार उसके अनुभवों को मजबूत बनाती है और ये इसके बच्चों के अनुभव के जो अनुभव हैं वो उसके मूलतः संवेदी अंगों की सहायता से बन रहे होते हैं, यानी देखकर, छूकर, बात करके, सुनकर, वो इस प्रकार की गतिविधियों से लगातार सीखने की गतिविधि को आगे बढ़ाता है। सीखने को कुछ कारक प्रभावित करते हैं क्योंकि सीखना सउद्देश्य प्रक्रिया है, परिवेश से होता है, तो परिवेश का असर, परिवेश का प्रभाव उस बच्चे के सीखने की स्थितियों पर पड़ता है। साथ ही साथ कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो उस बच्चे के अपने अंदर विद्यमान होते हैं, यानी कि बच्चे की अपनी समझ और उसकी परिपक्वता, उसकी उम्र कितनी है, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, ये भी सीखने को प्रभावित करती है। सीखने को लेकर उसकी अपनी तैयारी क्या है, ये भी उस बात को बताती है कि हम जहाँ ये कह सकते हैं कि सीखना इन सब चीज़ों से प्रभावित होता है। सीखने के लिए माहौल बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया। साथ ही साथ सीखने के लिए प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। ये प्रेरणा बच्चे की आंतरिक हो सकती है या बाह्य प्रेरणा हो सकती है। सीखने में रोचकता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राय रोचकता ही सीखने की गतिविधि को आगे भी कह सकते हैं कि संयोजित करती है। आप से अपनी कक्षा में आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई विषय रोचक है या कोई गतिविधि आपने उस तरह से आयोजित की जो रोचकता लिए हुए है, तो निश्चित रूप से अधिगमकर्ता सीखने में ज़्यादा मजबूती से सीख पाता है। सीखने के लिए जो महत्वपूर्ण स्थिति है, जैसा कि अभी आपने जाना, सीखने को समझने के बाद, सीखने को जो कारक प्रभावित करते हैं उन सब को जान लेने के बाद, एक शिक्षक के लिए ज़रूरी बन जाता है कि वो उन स्थितियों को के बारे में जाने और समझे कि जिन स्थितियों से सीखना स्वाभाविक बनता है। इसी स्थिति में गतिविधि के द्वारा सीखना बच्चों के लिए बहुत आनंददायी होता है, बच्चों के लिए बहुत नयापन लिए होता है और उनके अनुभवों को साझा करता है।
तो आज हम लोग गतिविधियों के द्वारा सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने से पहले हमें कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है, वो ये कि एक शिक्षक होने के नाते हम ये माने कि बच्चे कोरी सिलेट नहीं होते हैं, यानी कि स्कूल में आने से पहले भी बच्चे के पास अपना एक समृद्ध ज्ञान भंडार होता है, उसके पास अपने अनुभव होते हैं। हम ये भी जाने एक शिक्षक होने के नाते कि सभी बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, वो जानना चाहते हैं, नई चीज़ों को करना चाहते हैं। सभी बच्चों में सीखने का सामर्थ्य होता है। हम ये कई बार हमारे शिक्षक साथी ये मान लेते हैं कि बच्चे सीख नहीं पाएंगे, बच्चों को नहीं आता, उनके ऊपर मेहनत करना बेकार है, तो ये समझना ही अपने आप में दिक्कत वाला होता है। तो हमारी मोटी समझ ये बनती है कि हम ये मानकर चलें कि सभी बच्चे सीखने में के लिए तैयार होते हैं, उनमें सामर्थ्य होता है। और शिक्षक साथियों को ये भी मानना होगा या हम ये भी जानें कि सभी बच्चे अपने आसपास के परिवेश से सीखते हैं और वो एक बेहतर प्रकार से सीख पाते हैं जब उनका परिवेश उसको सीखने की स्थितियों के लिए निर्माण करे। सीखने का मतलब हम ये माने कि बच्चे के जो अनुभव हैं उनको दोहराना आता है, उनमें दोहरान करना होता है, प्रयोग करना होता है, उनसे के साथ बातचीत करनी होती है, उनके साथ सवाल करना होता है, सोचना होता है और खुद से करके देखना होता है। अगर ये सब हो रहा है तो हम ये मान कर चलते हैं कि ये एक प्रकार से सीखने की गतिविधि है, सीखना आपकी कक्षा के अंदर आगे बढ़ रहा है। अगर वो विषय वस्तु रोचक है, वो पद्धति रोचक है, वो तरीका रोचक है, तो ये एक रोचकता जो है वो सीखने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती है, यानी कि बच्चे इस तरह की स्थिति में ज़्यादा बेहतर सीख पाते हैं और एक शिक्षक का काम आसान हो जाता है। हमें इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सीखने के अवसर दें, और एक शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को अवसर देने के साथ साथ हम अपनी कक्षा में सीखने का वातावरण भी बनाएं। जब ये वातावरण बन जाता है तो सीखना स्वतः रोचक हो जाता है। साथ ही साथ ये मानना चाहिए और हमें जानना भी चाहिए कि कक्षा की सभी गतिविधियाँ बच्चे के लिए होती है, और जब ये गतिविधियाँ बच्चों के लिए होती है तो निश्चित रूप से बच्चा उस पूरी की पूरी अधिगम गतिविधि में, अधिगम की पूरी प्रक्रिया में केंद्र में होता है। और शायद इसीलिए हम ये भी मानते हैं कि गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित शिक्षण की भूमिका में काम करता है। और ये मानना बहुत महत्वपूर्ण होगा हम सब शिक्षक साथियों के लिए कि गतिविधि अपने आप में एक सीखना ही है। अगर आप अपनी कक्षा में गतिविधि आयोजित कर रहे हैं, बच्चा गतिविधि में संलग्न है, बच्चा उस गतिविधि के साथ काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो सीख रहा है। सीखना कोई बाहर की या दूसरी प्रक्रिया नहीं होगी, वो गतिविधि के अंदर वो भाग ले रहा है, उसकी भागीदारी हो रही है, ये भागीदारी अपने आप में सीखना है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम लोग क्रियाकलाप किसे कहते हैं, क्रियाकलाप से हमारी क्या समझ बनती है। कोई भी ऐसी गतिविधि जिसका कोई भी शिक्षण उद्देश्य हो क्रियाकलाप कहलाती है। क्रियाकलाप से मतलब कि आप अपनी कक्षा में कोई भी काम, कोई भी शिक्षण का काम यदि वो किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते करते हैं वो अपने आप में गतिविधि है। ये गतिविधि या कोई भी इस प्रकार का काम निश्चित रूप से बच्चे के अनुभव से जुड़ाव रखना वाला होना चाहिए, जुड़ाव रखे, इस बात का हम ध्यान रखें। जैसे अवलोकन करना, बच्चे अगर वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण करा सकते हैं आप, तो वर्गीकरण करना भी अपने आप में गतिविधि है। प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना एक बहुत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है या महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चा चिंतन के लिए तैयार होता है, बच्चा क्रिएटिव बनता है, रचनाशील होता है, और वो अपने चिंतन पर और अपने क्रिएशन पर जो उसने निर्माण किया है उसके ऊपर वो मनन करता है, और एक मनन करते समय वो नए ज्ञान का निर्माण भी कर रहा होता है। तो प्रश्न अपने आप में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। घटनाओं को लिखना, घटनाओं के पढ़ना, उनका मौखिक अभ्यास करना, ये सब गतिविधियों के रूप में समझे जा सकते हैं। नाटक है, खेल कूद की विधि है, ये तमाम वो गतिविधियाँ हैं जिनको हम लोग गतिविधि जो आधारित शिक्षण है उसमें हम शामिल करते हैं। यहाँ तक कि किसी भी स्थिति की कल्पना करना और उन स्थितियों में कार्य कारण संबंध बनाना, ये महत्वपूर्ण गतिविधि है। ये कार्य कारण संबंध यानी कि कोई घटना क्यों हुई, इस घटना के पीछे क्या कारण है। मान लीजिए मौसम का बदलना, तापमान का एकदम कम होना, ज़्यादा हो जाना, गर्मी का होना, या पौधों के पत्ते गिरना, या तमाम इस तरह की बातें। तो अगर हम लोग ये बातें बताते हैं और वो बालक या बालिका उसके अंदर कार्य कारण संबंध तलाश करता है और तलाश करने के लिए तैयार होता है, तो निश्चित रूप से भी एक प्रकार की गतिविधि है, जिनमें खोज करना, नए प्रकार से सोचना और समस्या समाधान के लिए विकल्प देना। अगर किसी इस प्रकार का शिक्षण अधिगम है जहाँ पर बच्चे खुद सोच रहे हैं, बच्चे खुद समस्या का समाधान के लिए तैयार हो रहे हैं
और अपने अपने अनुभवों के आधार पर अगर कोई विकल्प तलाश कर रहे हैं तो ये मूलतः एक प्रकार की गतिविधि है। तो गतिविधि एक प्रकार से स उद्देश्य चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें तमाम स्थितियां जिनका भी हमने जिक्र किया ये सब अगर शामिल होती है तो निश्चित रूप से वो गतिविधि है। तो गतिविधि के लिए कोई बहुत एक प्रकार से अलग से सोचने की स्थिति नहीं होती है। आप सब लोग अपनी कक्षाओं में निश्चित रूप से कोई ना कोई गतिविधि कर रहे होते हैं और छोटी कक्षाओं में जहाँ पर उनका मानसिक और शारीरिक दोनों ही बच्चे का मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर दोनों ही एक प्रकार से उस गतिविधि के में या उस काम में शामिल होता है तो निश्चित रूप से वो गतिविधि आधारित शिक्षण के रूप में हम जानते हैं उस बात को। और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रियाकलाप की जो पूरी अवधारणा है जिसके बारे में हम ये बात कह सकते हैं, क्रियाकलाप की पूरी अवधारणा अगर गांधी जी के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये निश्चित रूप से मस्तिष्क शरीर और मन का समन्वय है। जहाँ पर गतिविधि का मतलब यही है, अगर विद्यार्थी आपकी कक्षा के अंदर किसी भी काम को करते समय उसका मन, उसका मस्तिष्क और उसका शरीर शामिल है, इन तीनों के आधार पर वो काम कर रहा है तो निश्चित रूप से गतिविधि है। तो गतिविधि को अगर हम ये कहें संपूर्ण अवधारणा के रूप में समझें तो एक प्रकार का समन्वय है जहाँ पर एक बच्चे का मस्तिष्क यानी कि वो क्या सोचता है, उसका मन क्या चाहता है और वो इन दोनों में अपने शरीर को कैसे तैयार कर रहा है, अपने हाथ को हाथ पैर का कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहा है और ये समन्वय ही अपने आप में ये दिखाता है कि वो गतिविधि है। और ये गतिविधियाँ ही निश्चित रूप से इसकी एक दार्शनिक आधार भी देती है कि गतिविधि आधारित शिक्षण के अंदर कि जिस पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि समग्र रूप से एक स्व एक व्यक्ति उसमें शामिल होता है तो ये गतिविधि बनती है। क्रियाकलाप के द्वारा सीखना जिसे हम लोग गतिविधि के द्वारा सीखना भी कहते हैं, ये इससे जो हमारी समझ बनती है वो ये कि कोई भी गतिविधि निश्चित रूप से एक अनिवार्य रूप से शिक्षण के उद्देश्यों के साथ संबंधित होनी चाहिए। गतिविधि का नियोजन, किसी भी गतिविधि का नियोजन एक शिक्षक को प्राय बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। गतिविधि का बच्चों के वास्तविक जीवन अनुभवों के साथ जुड़ाव हो, यह महत्वपूर्ण पहलू है। जो गतिविधि जितनी बच्चों के अनुभवों के साथ जुड़ाव रखती होगी वो गतिविधि उतनी ही ज़्यादा रोचक होगी। जैसे मान लीजिए आप अपनी कक्षा के अंदर एक गतिविधि आयोजित करना चाहते हैं, गतिविधि बहुत सामान्य है जिसमें आपने ये बताया कि भाई आप अपनी कक्षा से बाहर निकले, बच्चों को आपने ये कहा और पूरी स्कूल के अंदर जहाँ जहाँ पर कचरा है, गंदगी फैली है या इस तरह की कोई स्थितियाँ हैं तो आप सब बच्चों से कह सकते हैं कि आप जाइए और कचरा को आप इकट्ठा करिए और कचरे को इकट्ठा करने के बाद उसका वर्गीकरण हमें करना है, यानी कि कौन सा कचरा किस प्रकार का है, कौन सा जैविक कचरा है, कौन सा अजैविक कचरा है, कौन सा ऐसा कचरा है जो पेड़ पौधों का पत्तियों का है, कौन सा ऐसा कचरा है जो कागज का इन सब का है या कौन सा ऐसा कचरा है जो किसी और स्थिति के साथ बना है। तो ये भी अपने आप में एक गतिविधि होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे इस चीज़ को, बच्चे इस पूरे काम को अपने अनुभवों के साथ जोड़ पाते हैं। तो गतिविधि के लिए, किसी भी गतिविधि के लिए अनिवार्य बन जाता है कि वह बच्चों के वास्तविक जीवन के साथ जुड़ी हुई हो। एक शिक्षक होने के नाते और एक गतिविधि के नियंता होने के नाते आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो जो गतिविधि आप करने जा रहे हैं वो सुरक्षित हो, किसी प्रकार के लिए किसी प्रकार को हानिकारक ना हो। तो गतिविधि में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू बनता है। ज़्यादा समय ना ले, इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि अगर कोई गतिविधि ज़्यादा समय लेगी तो निश्चित रूप से आप अपनी कक्षा के अंदर उस गतिविधि को नहीं करा पाएंगे तो अपने जो दूसरे साथी शिक्षक हैं उनके साथ दिक्कत होगी, उनकी कक्षाओं का समय आप ले रहे होंगे, एक तो ये भी बड़ा कारण है। दूसरा ये कि अगर कोई गतिविधि ज़्यादा लंबे समय तक चलती है तो ये माना जाता है कि बच्चों का उसमें रुचि कम होती जाएगी। तो आपको बच्चों की रुचि को ध्यान में रखने के लिए ये तय करना होगा कि वो गतिविधि एक निश्चित समय में आपकी कक्षा के समय में पूरी हो जाए। जब ऐसा हो जाता है तो वो गतिविधि बहुत वैसी नहीं बनती जिसके अंदर बच्चे उबने लगें, बच्चों की रुचि कम होने लगे, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि गतिविधि में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है और जब उनकी भागीदारी होगी वो भागीदारी समय भी उनके भागीदारी के साथ जुड़ जाता है। आपको जैसा कि मैंने भी कहा कि संज्ञानात्मक विकास को देखना पड़ेगा, यानी कि बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो उस गतिविधि के अनुकूल है या नहीं है। तो आपको अपनी किसी भी गतिविधि का चयन करते समय ये ध्यान रखना होगा कि ये गतिविधि मेरी किस कक्षा के बच्चों के अनुकूल है, तो उनकी उम्र उस गतिविधि के साथ जुड़े। जैसा कि आपने, जैसे मनोविज्ञान के आप रूप में आप जानते हैं कि जीन प्याजे ने इस पर काफ़ी काम किया और ये भी बताया कि एक सीखने की उम्र होती है और इस उम्र के आधार पर ही हम लोग बच्चों को ऐसी स्थितियों निर्माण करके सिखा सकते हैं जो उनकी उम्र के अनुकूल होती है। तो गतिविधि जब भी आप आयोजित करें
तो गतिविधि को आयोजित करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो गतिविधि उन बच्चों के अनुकूल हो, उनकी आयु के अनुकूल हो। जब ऐसा होता है तो उस गतिविधि में बच्चों की उत्सुकता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और उनकी भागीदारी बढ़ती है, और क्रियाकलाप द्वारा जो शिक्षण किया जाता है उसका महत्वपूर्ण पहलू यही है कि हम इस तरह की गतिविधि में, इस तरह के काम में, इस तरह के सीखने सिखाने के उपागम में मूलतः बच्चों की भागीदारी को महत्वपूर्ण फलक मानते हैं। जब अगर ऐसा होता है तो ये माना जाता है कि गतिविधि में स्वतः ही बच्चा सीख रहा है, गतिविधि स्वतः ही बच्चे को सिखा रही है। तो ये सीखना उस क्रियाकलाप के द्वारा तभी संभव होगा जब हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। किसी भी क्रियाकलाप में जो मुख्य आयाम है उन मुख्य आयामों को हम तीन प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कोई भी गतिविधि है वो या तो खोजपरक गतिविधि होगी, जैसा कि आप सब जानते हैं इसमें कुछ खोज करना होगा, कुछ नई बातों को जानना होगा, नई बातों को तलाश करना होगा। जैसे खोजपरक गतिविधि के अंदर हम लोग ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी कक्षा में बच्चों को ये अनुभव दे सकते हैं कि वो सब जाएं और अपने आसपास, जैसे मान लीजिए आपका विज्ञान में छोटी कक्षाओं के अंदर आप ये बताना चाहते हैं पर्यावरण अध्ययन के में के विषय के अंदर कि कठोर जल कैसा है, या ऐसा कौन सा पानी है जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं और ऐसा कौन सा पानी है जिससे कपड़े साफ नहीं हो पाते, यानी कि उसमें झाग नहीं बन पाते। ये एक सामान्य स्थिति है। ये भी आप काम दे सकते हैं बच्चों को जब इस तरह की गतिविधि अगर आपने नियोजित की है कि जिसमें वो जाएं और ये पता करें कि उनके आसपास, अपने आसपास से जल इकट्ठा करें, नदी का जल, तालाब का जल, पान नल वाला जो सरकारी नल है या कोई और दूसरे प्रकार का नल है उनके, उसका नल, या हैंडपम्प का पानी, वो इस तरह का एक प्रकार से वो अपने घर के आसपास से या अपने पड़ोस से उस तरह का पानी को इकट्ठा करके अपनी कक्षाओं में लेकर आए, जो आपकी आगे वाली कक्षा होने वाली उसमें उसके लिए आप तैयार कर सकते हैं। और इस तरह का जब आप उनके काम देंगे तो निश्चित रूप से सभी बच्चे उत्साहित होकर अपने आसपास की इन सब चीज़ों को जानेंगे, खोज करेंगे, पता करेंगे कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये पानी को क्यों लेके जा रहा हूँ मैं। तो इन सब बातों को हम कह सकते हैं ये खोज पर गतिविधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। गतिविधियाँ निर्माणकारी होती हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो तरीका है जिसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि गतिविधियाँ निर्माण भी करती हैं, कुछ नए ज्ञान का सृजन करती हैं। तो उस एक आयाम ये भी है गतिविधियों के लिए कि हम निर्माणकारी स्थितियों के लिए हम गतिविधियों को आयोजित करते हैं। साथ ही साथ गतिविधियाँ बच्चों के अनुभवों को और मजबूत बनाती है, उनके अनुभव उससे जुड़ते हैं। तो गतिविधियाँ जो है हमारे पास जो तीन बड़े आयाम निकल कर आए गतिविधियों के, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि वो खोजपरक होगी, निर्माणकारी होगी और उनके अनुभवों को मजबूत बनाएगी, इन तीनों स्थितियों में हम गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। तो गतिविधियाँ जिसमें अभी हमने माना कि वो बच्चे के मन, मस्तिष्क और शरीर के साथ जुड़ती है, साथ ही साथ हम ये भी मानते हैं कि वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बड़ा योगदान देती है जब वो गतिविधि खोजपरक बनती है, निर्माणकारी बनती है या उसके अनुभव से जुड़ती है। तो गतिविधियों के ये पूरे आयाम इस बात को दिखाते हैं कि गतिविधि, जैसे हम गतिविधि कर रहे होते हैं तो सीखने के लिए स्वतः ही एक बड़ा आयाम बच्चों के लिए हम खोल देते हैं, एक बड़ा रास्ता हम खोल देते हैं जिसमें शिक्षकों की का काम आसान बन जाता है। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं जैसे कि गतिविधि का नाम आता है या गतिविधि के बारे में जो एक हमारी कह सकते हैं कि यह समझ पता नहीं कैसे बनी, एक समझ ये कहती है कि गतिविधि बहुत ज़्यादा समय लेती है, गतिविधि करेंगे तो दूसरे काम प्रभावित होंगे, हम गतिविधि करेंगे तो फिर हमारी कक्षाएं शोर करती हैं, दूसरी कक्षाएं उससे बाधित होती हैं, ये सब स्थितियां बनती है और एक शिक्षक खुद ही गतिविधि से भागने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। गतिविधि इतनी रोचक होती है कि बच्चे खुद ही उसके अंदर समूह में या एकल या अपने साथियों के साथ बाहर स्कूल और स्कूल के बाहर तमाम जगहों पर काम जाकर काम करते हैं, और ये शिक्षक का काम आसान हो जाता है। तो गतिविधि मैं मुझे लगता है कि गतिविधि शिक्षक का सबसे सहयोगी उपागम है, जहाँ पर उसे कम से कम समय में बेहतर से बेहतर परिणाम वो अपने अधिगम में दे सकता है, अपने बच्चों को दे सकता है। और इस तरह से जब वो अगर अपने विषय को के साथ काम करता है, विषय को आगे बढ़ाता है, तो विषय की रोचकता, उसकी विषय की जो जटिलता है उसको और कम करेगी, बच्चे और बेहतर तरीके से सीखेंगे। और निश्चित रूप से अगर ऐसी हालात में हम अपनी कक्षाओं में, अपनी प्राथमिक कक्षाओं में खास तौर पर पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए अगर हम गतिविधि को आयोजित करते हैं तो हम दूसरे विषयों के साथ भी उसको जोड़ देते हैं। जैसे हमने खोज परख में जाना कि हमने ये जानने का प्रयास किया कि हमारे आसपास का पर्यावरण कैसा है, पानी को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं और ये पता लगाते हैं कि उस मोहल्ले में या उस बस्ती में या उस पड़ोस के गाँव में जहाँ आपका विद्यालय है उसके आसपास जहाँ बच्चे आते हैं वहाँ किस किस प्रकार का जल की उपलब्धता है,
ये जल कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें, इस जल का क्या उपयोग हो सकता है, कौन सा जल है जिसको पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कौन सा जल है जिसको हम लोग रोज़मर्रा के काम के लिए, भोजन बनाने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा जल है जिसे हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करें, या कौन सा ऐसा जल है जिसे हम लोग सिंचाई वगैरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बातें दिखाती है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण के साथ जब एक शिक्षक आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो न केवल अपनी कक्षा को सहज और सुलभ बना रहा होता है, बल्कि वह दूसरे विषयों के साथ भी बच्चों को ज्ञान के नए आयाम दिखा रहा होता है। और इसीलिए माना जाता है कि इसके जो प्रमुख आयाम है उसमें विज्ञान भी सीखते हैं, अनुभव भी साझा करते हैं, निर्माण भी करते हैं, तो अपने सामाजिक परिवेश को भी आप समझ रहे होते हैं। तो गतिविधि का ये जो पहलू है जिसमें हम ये मान कर चलते हैं कि गतिविधि बच्चों को एक बड़ा आयाम देती है जिसमें वो दूसरे विषयों के साथ जुड़ पाता है, ये शिक्षक के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण बनता है। शिक्षक भी इन गतिविधियों से दूसरे विषयों के साथ समेकन कर रहे होते हैं। गतिविधि आधारित जो शिक्षण है उसके लिए एक शिक्षक की बेहतर तैयारी की आवश्यकता होती है। और इसके लिए महत्वपूर्ण चरण जो हम मान कर चलते हैं वो ये कि सबसे पहले किसी भी शिक्षक को ये जानना और समझना जरूरी है कि वो उस गतिविधि जिसको आयोजित कर रहा है उसकी विषय की प्रकृति क्या है, वो किस प्रकार से संयोजित की जा सकती है, उसके लिए योजना का निर्माण महत्वपूर्ण बनता है। गतिविधि शुरू से लेकर अंत तक एक योजनाबद्ध और चरणबद्ध प्रक्रिया है। योजनाबद्ध तरीके से जब हम गतिविधि को आयोजित कर रहे होते हैं तो एक शिक्षक को एक सहूलियत होती है कि उसे इस बात का पता होता है कि उस गतिविधि में उसकी भूमिका कहाँ पर क्या होगी। किसी भी गतिविधि में एक शिक्षक की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करे। बच्चों की भागीदारी स्वतः ही हो जाएगी जब वो गतिविधि रोचक होगी या उनके उस विषय की प्रकृति के साथ जुड़ रही होगी और महत्वपूर्ण रूप से वो उस बच्चे के अनुभव को और मजबूत बना रही होगी। जब हम इस तरह की गतिविधि को आयोजित करते हैं तो निश्चित रूप से वो गतिविधि अपने आप में ही बच्चों की भागीदारी को बढ़ाएगी। जैसे विद्यालय का कचरा इकट्ठा करना है, ये पता लगाना है कि हमारे गांव में इस मौसम में कौन कौन सी फसलें हो रही हैं, ये पता लगाना है कि आसपास किस किस प्रकार की सब्जियां हम लोग हमारे बाजार में आती है और इन सब्जियों का कीमत क्या है, ये पता करना, कितनी दूर से कौन सी सब्जी आती है, किस मौसम में कौन सी सब्जी पैदा होती है, ये सब जानना, ये सब इन सब गतिविधियों को आयोजित करके, इन सब का अपना एक वर्गीकरण करके, उनका या उन बच्चों के साथ उनको जोड़कर निश्चित रूप से बच्चों की भागीदारी को हम बढ़ा रहे होते हैं। एक शिक्षक के लिए ये महत्वपूर्ण बनता है कि वो जाने कि जब इस प्रकार की गतिविधि को जब वो आयोजित करता है तो इस बात को जाने कि उसे क्या करना है, ये महत्वपूर्ण बनता है इस पूरी गतिविधि में, कैसे करना है ये समझना, और किन बच्चों के साथ करना है, जैसा कि बताया कि वो गतिविधि किस कक्षा के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बनेगी ये जानना और समझना होगा। गतिविधि कहाँ पर करनी है, यानी कि उस गतिविधि के लिए कौन सी जगह है, वो गतिविधि आपको कक्षा के अंदर करनी है, वो गतिविधि कक्षा के बाहर करनी है, वो गतिविधि के लिए आपको बच्चों को बाहर लेकर जाना है, या आपको उस गतिविधि के अंदर कक्षा के अंदर ही या अपने विद्यालय के अंदर ही आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बच्चों को फसल दिखाना चाहते हैं, बाजार दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई हाट बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार लगता है, और ये पता करना कि साप्ताहिक बाजार में किस किस प्रकार की वस्तुएं बिक्री के लिए आती है, ये बच्चों के लिए रोचक विषय हो सकता है। तो ये आपको तय करना होगा कि किस दिन निकलना है, कितनी देर के लिए निकलना है, कौन कौन सी कक्षाओं के साथ बच्चों को जोड़ना है, या किस प्रकार से आपको काम करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी बनता है आपकी योजना निर्माण के समय। महत्वपूर्ण पहलू है समय का, कि इस पूरी गतिविधि में कितना समय लगेगा। और अक्सर हम लोग जब गतिविधि एक शिक्षक आयोजित कर रहा होता है तो कुछ बातों का ध्यान रखता है जिसमें एक बात छूट जाती है, वो ये कि आखिर गतिविधि के उपरांत उसे क्या करना है। यही एक शिक्षण का महत्वपूर्ण पहलू होता है, एक शिक्षक के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। जब वो ये जान लेता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये तमाम चीज़ें जान लेता है, समय का भी उसने ध्यान रख लिया। अक्सर मेरे शिक्षक साथी कई बार इस बात की चूक कर जाते हैं कि वो उस गतिविधि का आयोजित हो जाने के बाद ये नहीं तय कर पाते कि इस गतिविधि से निकला क्या, इस गतिविधि से वो चाहते क्या थे। यानी कि योजना निर्माण करते समय हमें उस गतिविधि के लिए कोई ना कोई एक शैक्षिक उद्देश्य बनाना होगा कि हम आखिर चाहते क्या हैं इस गतिविधि से। मान लीजिए इस गतिविधि से हम ये बताना चाहते हैं, आपने कोई गतिविधि आयोजित की ये पता लगाने के लिए कि अपने आसपास के माहौल में बच्चे जानना चाहते हैं कि पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने गतिविधि दी और आपने बच्चों से कहा कि जाइए अपने आसपास जितना भी आपका स्कूल है या घर है उसके रास्ते में जो भी पत्तियां मिलती हैं उसे एक प्रकार से इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद आप उसे लेकर आएँ, तो आप ये बताना चाहते हैं कि पत्तियां के प्रकार कितने हैं,
पत्तियाँ, छोटी की पत्तियाँ कैसी होती है, मझोली पत्तियाँ कैसी होती है, बड़ी पत्तियाँ कैसी होती है, इस प्रकार बताना चाहते हैं आप। तो आपको इस गतिविधि के उपरांत ही बताना होगा, ये बताना चाहिए हमें कि इस गतिविधि से हमने क्या प्राप्त किया है, क्या इस गतिविधि के उपरांत बच्चे समझ पाए, जान पाए कि झाड़ियों की पत्तियाँ कैसी होती है, बड़े वृक्षों की पत्तियाँ कैसे होती है, पादपों जो छोटे वाले सब्जी के या जो इस तरह के झाड़ हैं, इस तरह की पत्तियाँ किस प्रकार से होती हैं, इन सब कुछ जानना और समझना, और ये पता करना कि इन पत्तियों का निर्माण ऐसे क्यों हुआ है, इन पत्तियों का प्रकार इस प्रकार से क्यों बना है। जब तक हम इसको नहीं जोड़ेंगे तो वो गतिविधि निश्चित रूप से किसी ज्ञान की रचना करने में अपने आप में एक पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो ये जानना जरूरी है कि हम ये करें, साथ ही साथ एक चिंतन भी करें। ये गतिविधि जितनी महत्वपूर्ण बच्चों के लिए है, बच्चों की रोचकता के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए, उनके भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, ये उतनी ही महत्वपूर्ण मेरे शिक्षक साथियों के लिए भी है, जहाँ पर एक शिक्षक साथी हम सब लोग चिंतन करते हैं इस गतिविधि के बारे में कि आपने जो भी गतिविधि का जो आपने की जो आज की कक्षा में जो आयोजना की, इसमें क्या हुआ, बेहतर हुई, क्या कमियां रह गई थी, आपको कहां कहां पर इस बीच में आपको बीच में जाकर हस्तक्षेप करना था या उनको आगे बढ़ाना था, या आप अपनी भूमिका किस रूप में मानते हैं। इनको जानने और समझने के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए इस गतिविधि के उपरांत एक शिक्षक को सोचने के लिए एक जगह मिलती है, एक स्थान मिलता है। तो गतिविधि एक प्रकार से बच्चों के लिए सीखने का एक माध्यम बनती है, उसी प्रकार से वो गतिविधि एक शिक्षक के लिए भी सीखने और चिंतन करने का एक अवसर मुहैया कराती है। तो मूलतः इस पूरी गतिविधि आधारित जो सीखना है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी कि हम लोग और विद्यार्थी, दोनों सीख रहे होते हैं। दोनों के लिए उतना ही ये रोचक मामला बन रहा होता है, जहाँ पर हम लोग लगातार दोनों आपस में बातचीत करते हुए, गतिविधि करते हुए, देखते हुए उस काम को, किस प्रकार से काम आगे बढ़ रहा है, उस गतिविधि कैसे बढ़ रही है, उसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से वो सीखना न केवल हम लोगों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी होता है। ये जो क्रियाकलाप द्वारा जो या जो शिक्षण जो गतिविधि हम लोग करते हैं, गतिविधि आधारित जो शिक्षण करते हैं, उसकी कई प्रकार की उपयोगिता है। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ी उपयोगिता तो इसकी यही है कि ये हम लोगों के लिए भी एक दृष्टिकोण मुहैया कराता है। सीखने का ये एक नवाचारी तरीका है, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण आधार ये है कि हम ये मान कर चलते हैं कि ज्ञान का निर्माण बच्चे सीख कर करते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, और ज्ञान का निर्माण सामूहिक भागीदारी से होता है, यानी कि एक सामाजिक निर्मिति है। और इसमें इस बात को खारिज करते हैं कि ज्ञान पूर्व निर्धारित स्थिति है, ये कोई तयशुदा मामला है, जबकि इस पूरी गतिविधि में, इस पूरी क्रियाकलाप द्वारा जो आधारित गतिविधि है, उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि ये ज्ञान बच्चों के पूर्व अनुभवों से निर्गत होता है, अर्थात ज्ञान निर्मित किया जाता है, ज्ञान पूर्व निर्मित स्थिति नहीं है। ये सीखने के लिए जो क्रियाकलाप द्वारा आधारित शिक्षण की का जो मामला है, ये इस बात को ही बताता है कि ज्ञान कोई प्रोडक्ट नहीं है, ज्ञान कोई उत्पाद नहीं है, कोई अंतिम स्थिति नहीं है, ज्ञान एक प्रक्रिया है। और दूसरे अर्थों में अगर हम इसको समझाना चाहें, समझना चाहें, तो ये है कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया जिसमें ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान की पुनर्रचना की जाती है, ज्ञान लगातार रच बस रहा होता है साथियों के अनुभवों से, उस बच्चे के अपने अनुभवों से, या जिन स्थितियों से गुजरता है उन सब स्थितियों को वो अपने संदर्भ में समझते हुए ज्ञान की रचना कर रहा होता है। इन हालातों में ज्ञान के निर्माण में जो ज्ञान का निर्माता है वो महत्वपूर्ण बन जाता है, और उसके लिए उसके अपने अनुभव ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक बुनियाद का काम करते हैं, एक आधार का काम करते हैं। तो पूरी स्थिति में ये कि क्रियाकलाप द्वारा किया जाने वाला जो अधिगम है या जो शिक्षण है, वो मूलतः एक प्रकार से रचनाशील शिक्षण है, या यूँ कह सकते हैं कि हम लोग वो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण है, बाल केंद्रित शिक्षण है, जिसमें हम ये मानते हैं या ऐसी स्थितियों का निर्माण करते हैं जिसमें हम उस बच्चे को केंद्रीय भूमिका में रखते हुए उसी के अनुभवों को पुष्ट करते हैं या खारिज करते हैं, या उनको नए प्रकार से रच रहे होते हैं। तो वो बच्चा खुद अपने अनुभवों को लगातार रचता है, उनका निर्माण कर रहा होता है, और अपने अनुभवों के आधार पर ही उनको खारिज कर रहा होता है। तो उस पूरी प्रक्रिया में बच्चा एक केंद्रीय स्थिति में स्वतः ही आ जाता है, और इस प्रकार से एक गतिविधि आधारित शिक्षण जो है वो बाल केंद्रीय शिक्षण के साथ जुड़ता है, एक रचनावादी शिक्षण के साथ जुड़ता है, जहाँ पर बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करने वाला होता है। बच्चों में इस तरह की गतिविधियों में जब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, तो बच्चों में एक बड़ी जो मजबूत बात है वो ये कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चे सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे होते हैं। एक आत्मविश्वास का जो तरीका है या आत्मविश्वास का जो बनना है
वो मूलतः बच्चा जब खुद करके देखता है, जब खुद से उन अनुभवों से गुजरता है, तो वो अपने आत्मविश्वास को लगातार मजबूत बना रहा होता है। ये क्रियाकलाप आधारित जो शिक्षण है उसमें हम लोग बड़ी जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं उनको भी प्रयोग करके बहुत सहज तरीके से सिखा सकते हैं, बच्चों के साथ उनके अनुभवों को साझा कर सकते हैं। क्रियाकलाप द्वारा जो आधारित शिक्षण होता है, इसमें छोटी कक्षाओं में खास तौर पर जब बच्चे गतिविधि करके सीख रहे होते हैं, तो जैसा कि हमने बताया कि बच्चों का मन, बच्चों का शरीर, बच्चों का मस्तिष्क भी पूरी तरह से इसके अंदर शामिल हो रहा होता है। जब हम ऐसा कहते हैं तो इसके पीछे कहने का जो अभिप्राय वो ये कि बच्चे के जो संवेदी अंग हैं, खास तौर पर सुनना, देखना, बोलना, सूंघना, कुछ चीज़ों को टेस्ट करके बताना, स्वाद करके बताना, ये सब संवेदी अंग उसके बन रहे होते हैं और वो ये मान कर चलता है या आने वाली स्थितियों में तैयार होता है कि इनसे भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अनुभव महत्वपूर्ण जरिया बनता है, जिसमें वो पता करेगा कि छूकर पता करेगा कि कौन सी गर्म स्थितियां हैं, कौन सी चीज़ें गर्म होती हैं, कौन सी चीज़ें ठंडी है। वो बोलकर बता सकता है कि किनको, जैसे उच्चारण करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम ये बोलकर समझें और समझाएं कि बोलने से किस प्रकार से बोलकर हम वर्णों को पहचान सकते हैं। सुनना, कितनी दूर से आवाज़ आ रही है, कितनी पास से आवाज़ आ रही है, जानना समझना। लय क्या है, देखना, अपने आप में अवलोकन करना, एक अपने आप में बड़ी स्थिति है जिसका पूरा का पूरा जो हमारे पास संवेदी अंगों का इस्तेमाल है, संवेदी अंग जो है एक प्रकार से उन संवेदी अंगों की मदद से हम विद्यार्थी को एक न केवल उनका विकास करते हैं बल्कि हम उसे एक सीखने के तरीके के रूप में भी हम नए प्रकार से उसे परिभाषित कर रहे होते हैं। क्रियाकलाप द्वारा आधारित जो शिक्षण पद्धति है उसमें बच्चे बड़े क्रिएटिव बन जाते हैं, वो रचनाधर्मी हो जाते हैं, वो लगातार खुद से ये प्रयोग कर रहे होते हैं, अपने अनुभवों को खारिज कर रहे होते हैं, दूसरों के अनुभवों से सीख रहे होते हैं। तो ये सब स्थितियां बच्चों को एक आत्मविश्वास देती है, उनको रचनाधर्मिता के लिए आगे बढ़ाती है, उन्हें एक प्रकार से नई स्थितियों के लिए तैयार करती है और ये सब स्थितियां बच्चों को जिज्ञासु और खोज के लिए प्रेरित भी करती है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण में जो बड़ी बात है या जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, बच्चों को जिज्ञासु बनाता है, उन्हें खोज के लिए प्रेरित करता है और उन्हें अपने अनुभवों पर विश्वास करने, उन्हें दोबारा से समझने, दोबारा से जानने के लिए तैयार करता है। और अगर जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों के अंदर विकसित कर रहे होते हैं। किसी भी गतिविधि में अगर हम ये कहें कि जैसा कि पहले मैंने बताया आपको कि गतिविधि अपने आप में ही सीखना है, गतिविधि के द्वारा सीखना होता है एक अलग स्थिति है, गतिविधि अपने आप में सीखना है। अगर आप किसी गतिविधि का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सीखने की स्थिति को बढ़ा रहे हैं। किसी भी क्रियाकलाप से हम गणना सीखते हैं, हम मापन सीखते हैं, हम अनुमान लगाना सीखते हैं, बच्चे उपयोग करना सीखते हैं चीज़ों का उपयोग करना। जैसे मान लीजिए आपने गतिविधि का उपयोग किया और ये बताया कि कौन कौन से औजार कटाई में काम आते हैं, कौन कौन से औजार खुदाई के लिए काम आते हैं, कौन कौन से जो औजार हैं हमारे पास उनसे हम बच्चों हम अपने बागवानी, खेती या तमाम तरह की गतिविधियां कर सकते हैं। तो ये क्रियाकलापों के द्वारा अगर इस तरह के क्रियाकलाप आपने आयोजित किए हैं तो हम उनका उपयोग करना भी सीखते हैं। अवलोकन जो पूरी गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो कोई भी क्रियाकलाप बच्चों को अवलोकन के लिए तैयार करता है। हम वर्गीकरण करके सीखते हैं, हाट बाजार में आप बच्चों को लेकर गए, साप्ताहिक बाजार में आप बच्चों को लेकर गए, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा सामान है जो किस तरह कि कौन सा सामान किस कीमत का है, क्यों है, इसका एक वर्गीकरण करके एक चित्र बनाकर या एक सूची बनाकर बच्चे वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन सा सामान कितनी दूर से आ रहा है, सब्जियां कितनी दूर से आती है, अनाज कितनी दूर से आ रहा है, औजार कितनी दूर से आते हैं या तमाम तरह के दूसरे उपकरण कितनी दूर से आते हैं, तो इससे हम एक प्रकार का वर्गीकरण करके ये बता सकते हैं कि अपने आसपास के माहौल में, अपने गाँव के परिवेश में, अपने स्कूल के परिवेश में या उस बच्चे के अपने घर के परिवेश में किन किन चीज़ों का उत्पादन होता है और कौन कौन सी चीज़ें बाहर से मंगाई जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गतिविधि आधारित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये कि वो बच्चों में कार्य कारण संबंध का विकास करता है। कार्य कारण संबंध का मतलब कि एक प्रकार का ये वैज्ञानिक आधार है जिसमें हम बताते हैं कि हर एक काम के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ये अपने आप में एक तार्किकता है, ये अपने आप एक वैज्ञानिक सोच है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण जहाँ पर वो व्यक्ति अपने अनुभवों को खारिज करता है और ये अनुभवों को खारिज करना या अनुभवों को स्वीकार करना वो किसी बाह्य प्रभाव से नहीं करता, वो उस प्रक्रिया की संगतता के आधार पर, उन अपने अवलोकन के आधार पर, अपनी गणनाओं के आधार पर, अपने मूल्यांकन और मापन के आधार पर, इन सब के आधार पर करता है।
तो ये खुद ब खुद अपने आप को एक वैज्ञानिक पद्धति में लगातार विकसित कर रहा होता है या वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अपने आप को बढ़ा रहा होता है। तो क्रियाकलाप द्वारा आधारित शिक्षण स्वत ही एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। क्रियाकलाप द्वारा आधारित शिक्षण में जैसा कि मैंने बताया कि आपकी भूमिका यानी कि हम शिक्षक साथियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गतिविधि आधारित शिक्षण के योजनाकार के रूप में आप ही काम करते हैं। योजना का निर्माण आपको करना होता है, उसके उद्देश्यों को आपको पहचानना होता है, विषय वस्तु के साथ उसकी संगतता कितनी है, विषय वस्तु के साथ उसका जुड़ाव कितना है, इन सबको आपको समझना होता है। कक्षा में उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको सांगठनिक रूप से रखने के लिए आपकी भूमिका महत्वपूर्ण बनती है। गतिविधि आधारित शिक्षण में आप बच्चों को उस गतिविधि के लिए संसाधन मुहैया कराते हैं, उसकी तैयारियां करते हैं, औजार लेकर आते हैं, उपकरणों को लेकर आते हैं, या जो भी सामान सामग्री संसाधन उस गतिविधि के लिए आवश्यक बन जाते हैं उनको आप निश्चित रूप से चिन्हित करते हैं, बच्चों को मुहैया कराते हैं। ये सब करना, देखना, ये तैयारी करना एक शिक्षक की ही भूमिका में संभव हो सकता है। आप एक संवेदनशील पर्यवेक्षक के रूप में, एक अवलोकनकर्ता के रूप में लगातार उपस्थित होते हैं कि जहाँ भी अगर मान लीजिए बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को आवश्यकता होती है आपकी, तो आप उसे उनकी मदद कर सकें, आप उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें बिना हस्तक्षेप किए। आपका हस्तक्षेप उनको बाधित नहीं करेगा, बल्कि आपका हस्तक्षेप उन्हें, या इस तरह का जो सकारात्मक हस्तक्षेप है पर्यवेक्षक के रूप में जहाँ आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके रूप में वो बच्चों को एक सहूलियत देता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि बताया गया कि कोई भी गतिविधि सुरक्षित होनी चाहिए। समय को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि समय कहाँ लग रहा है, किन काम में ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप उसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं जैसा कि उस गतिविधि की मांग है। आप खुद उस पूरी गतिविधि में बच्चों से अलग नहीं होते हैं। एक शिक्षक उस संपूर्ण गतिविधि आधारित शिक्षण में एक सक्रिय सीखने वाला होता है, एक अधिगमकर्ता के रूप में काम कर रहा होता है। तो क्रियाकलाप द्वारा अधिगम जो किया जाता है उसमें हमारी भूमिका दोहरी भूमिका है। एक तो है ये कि हम खुद सीखने वाले हैं, क्योंकि आज की गतिविधि निश्चित रूप से कल की गतिविधि के लिए कोई जमीन तैयार कर रही होती है। आज की गतिविधि निश्चित रूप से दूसरे विषयों के लिए एक आधार भूमि तैयार कर रही होती है, एक विषय को जोड़ने वाली भूमिका में आ रही होती है। तो इसको देखना और समझना एक बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो आप स्वयं भी एक अधिगमकर्ता हैं, सीख रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं। बच्चों को सीखना आपको एक प्रकार से उन्हें उन गतिविधियों को पर्यवेक्षक के रूप में आपको देखना है, बच्चों को संसाधन मुहैया कराना है, आप पूरी गतिविधि का आयोजन करने वाले हैं, पूरी योजनाकार आप हैं। और आपको एक और सजग रूप से जो आपका काम होता है वो ये कि आपको ये भी तय करना है कि अब इस गतिविधि के बाद क्या किया जाना है, इस गतिविधि को किस प्रकार से एक सीखने के अनुभव के रूप में मजबूती के साथ लिखना है, बताना है या समझाना है। तो आपकी भूमिका महत्वपूर्ण बनती है। विषय केंद्रित और गतिविधि आधारित जो शिक्षण है उसके अंदर जो मोटी जो अंतर है वो ये कि गतिविधि आधारित शिक्षण में हम ये मान के चलते हैं कि जो ज्ञान की प्रकृति है वो बच्चों के अनुभव से निकलती है। बच्चों की भूमिका इसमें ज्ञान के निर्माता के रूप में होती है। शिक्षक यानी आपकी भूमिका बच्चों को सुविधा देने वाले या अवसर प्रदाता के रूप में होती है। विद्यालय हमारा एक केंद्र के रूप में काम करता है जहाँ पर ज्ञान का सृजन हो रहा होता है। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया बच्चों के अनुभवों के द्वारा के आधार पर तय होती है। वहीं से ही वो प्रबंधित भी होती है और वहीं से उनका मूल्यांकन भी होता है। तो गतिविधि जो आधारित शिक्षण है उसके अंदर गतिविधि, इसीलिए जो मैंने आपको बार बार इस बात को मैंने रेखांकित किया कि गतिविधि स्वयं में ही अपने आप में सीखने की प्रक्रिया है, अपने आप में एक सीखना है। वो इसलिए चूँकि इसमें बच्चों के अनुभव, उनका प्रबंधन और उनका मूल्यांकन शामिल होता है। सीखने का वातावरण जो है वहाँ पर, जिसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, एक शिक्षक सीखने का वातावरण का तैयार करता है, वो सीखने का वातावरण भी अनुभव जन्य होता है। यानी कि जो बच्चों ने अनुभव किया है उसको जो साझा करते हैं, ये साझा करना दूसरे सहपाठियों से भी साझा होता है। तो ये एक प्रकार से उनके अनुभवों को जोड़ता है, उनके अनुभवों के आधार पर वातावरण का निर्माण हो रहा होता है और ये बहुपक्षीय होता है। यानी कि इसमें सभी बच्चे अपने इस सीखने के वातावरण के निर्माण में शामिल हो रहे होते हैं। पाठ्यपुस्तकों की भूमिका इसमें बहुत सीमित होती है। पाठ्यपुस्तक अक्सर इस तरह की गतिविधियों में बच्चे के ज्ञान का विकास कर रहे होते हैं या उसके बीच में एक सेतु का काम कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रकार से विद्यालय और विद्यालय के बाहर का जो ज्ञान है उसको जोड़ने की इकाई के रूप में काम कर रहा होता है। और समुदाय ज्ञान का एक साधन होता है। समुदाय से हमें बहुत सारी गतिविधियाँ करने के लिए एक विचार मिलता है, एक संदर्भ मिलता है।
तो समुदाय अपने आप में एक ज्ञान का स्रोत है। तो इस प्रकार से आज की बातचीत में हम लोगों ने इस बात को जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों के लिए रोचक बनता है, बच्चों के अनुभवों को मजबूत बनाता है, बच्चों के लिए एक प्रकार से भागीदारी को बढ़ाता है, साथ ही साथ इस प्रकार का जो शिक्षण है हम सब शिक्षक साथियों को एक ताकत देता है, एक नए प्रकार की दृष्टि देता है, जिसमें हम लोग विषयों का समेकन करना सीखते हैं, जिसमें हम लोग ज्ञान की अवधारणाओं को उनके बच्चों के अनुभवों के साथ जोड़ना सीखते हैं, और हम ये मान कर चलते हैं कि ज्ञान बच्चे के संदर्भ और समय के सापेक्ष चलने वाली एक सकारात्मक या अनवरत गतिविधि है। धन्यवाद।